नमस्कार, एशिया न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। आइए देखते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें। यूपी में सीए प्रदर्शन, 86 लोग दोषी पाए गए। संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सभी को 4971 रुपए वसूलेंगे। रूस में केयर होम में स्टोव से लगी आग, 22 की मौत। कोविड बैठक में लीक सरकारी दस्तावेजों से हुआ खुलासा। चीन में 20 दिन में करीब 25 करोड़ कोविड केस आए, 17% आबादी संक्रमित। कई श्रेणियों को वीजा प्रक्रिया से इंटरव्यू में छूट मिली। भारतीय छात्रों को एक माह में अमेरिकी वीजा मिल सकेगा। नेपाल सीमा पर हमला, भारतीयों पर पथराव, 4 ट्रकों में तोड़फोड़। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को झटका, पूर्व डिप्टी सीएम समेत 126 ने इस्तीफा दिया। आतंकी साजिश, चंडीगढ़ जम्मू कश्मीर में एनआईए के छापे। मथुरा कोर्ट ने कहा 20 जनवरी तक दे रिपोर्ट। कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का सर्वे वाराणसी के ज्ञानवापी की तर्ज पर होगा। रूस यूक्रेन युद्ध का साया, अमेठी में AK-203 राइफल के स्वदेशी वर्जन का इंतजार बढ़ा। शिक्षा प्रणाली पर बोले पीएम, राष्ट्र के प्रति संतों ने फिर उठाई जिम्मेदारी। बंगाल में 3 महीने बाद पंचायत चुनाव, हिंसा अभी से शुरू। नई बिसात, ममता को रोकने के लिए 12 साल से पस्त वाम समर्थक कुछ जगह भाजपा के साथ। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एशिया न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।